ऐसे दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें एक YouTube का थंबनेल बनाना हो तो दोस्तों कैसे बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम फोटोशॉप के अंदर कैसे हम एक यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। दोस्तों जब आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं और उसमें आप वीडियो डालते हैं तो आपको एक YouTube थंबनेल बनाना होता है। दोस्तों वो थंबनेल का साइज क्या होता है, कैसे हम थंबनेल बनाते हैं, वो सारे चीज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों देखेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम फोटोशॉप को ऑन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने फोटोशॉप को ऑन कर रखे हुए हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम ओपन कर लेते हैं। जब फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो दोस्तों कुछ इस टाइप का ओपन होगा। दोस्तों बता दें कि ये फोटोशॉप 7.0 वर्जन है। दोस्तों अगर आप कोई भी वर्जन यूज करते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे हम एक जो YouTube का थंबनेल होता है कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम YouTube का जो थंबनेल का साइज होता है वो जान लेते हैं। दोस्तों इसको जानने के लिए हम कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और उसके अंदर दोस्तों हमको क्या लिखना है, YouTube थंबनेल साइज। दोस्तों जैसे ही YouTube थंबनेल साइज लिखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1280 और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 720। दोस्तों ये पिक्सल में होता है। तो यहाँ से हम फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं, इधर से इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं, मतलब यहाँ से इसे हटा लेते हैं। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगा और इस फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम न्यू फाइल ले लेंगे। दोस्तों इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। दोस्तों जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा और इसी के अंदर दोस्तों हमें साइज लेना है। दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिया होगा आपको यहाँ से पिक्सल को चूज कर लेना है और नीचे में भी आपको पिक्सल चूज कर लेना है और ऊपर में आपको लिखना है 1280 देखिए दोस्तों, और नीचे में आपको लिखना है 720 और नीचे में दोस्तों इसका रिलेशन आपको 300 रखना है देखिए दोस्तों। और इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। यहाँ पे ओके दिया हुआ है, ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट बनकर ओपन हो जाएगा जो कि ये YouTube का थंबनेल का जो साइज होता है वो आपका साइज यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों हम इसी के अंदर आपको बनाकर दिखाएंगे कि कैसे हम एक क्रिएटिव, मतलब कैसे एक हम क्रिएटिव यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं, वो सारे चीज़ हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये टूल्स बॉक्स दिया हुआ है देखिए दोस्तों, यहाँ पे टूल्स बॉक्स दिया हुआ है, इसे टूल्स बॉक्स बोलते हैं। दोस्तों अगर यहाँ से टूल्स बॉक्स हट जाए तो इसे लाने के लिए जाएंगे विंडो पे जाएंगे और विंडो पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों टूल्स। दोस्तों इस पर क्लिक कर आप आसानी से टूल्स को ओपन कर सकते हैं, देखो दोस्तों ऊपर में आपको टूल्स मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम लेयर पे क्लिक करेंगे तो लेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेयर जो चैनल होता है, लेयर जो हमारा पैनल होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये क्या करता है कि जो भी आप यहाँ पे काम करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो सिंपल दोस्तों क्या कर लेते हैं, टूल्स बॉक्स के अंदर जाते हैं और यहाँ से हम शेप टूल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको शेप टूल मिलेगा रेक्टेंगल, आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ड्रैग करेंगे देखिए दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे मूव टूल मिल जाएगा, मूव टूल पे क्लिक करना है और इसको क्या करना है, यहाँ पे लाना है, यहाँ पे ऊपर कोने में लाना है और उसके बाद से दोस्तों आपको जाना है एडिट के अंदर। देखिए दोस्तों इस एडिट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल मिल जाएगा, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+T। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे और इसे थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेंगे देखिए दोस्तों। इतना हो जाने के बाद दोस्तों इसे हमें कलर करना है, मतलब जो ये हमारा ब्लैक दिख रहा है इसे कलर करना है, मतलब दो कलर करना है, तीन कलर करना है, मतलब दूसरे कलर करना है। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इस वाले लेयर पे क्लिक करेंगे जो अभी हम शेप बनाए हैं। उसके बाद से दोस्तों जाएंगे हम लेयर में, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लेयर मिल जाएगा, इस लेयर पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आएंगे तो आपको लेयर स्टाइल मिल जाएगा। लेयर स्टाइल पे जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे ग्रेडिएंट ओवले, देखिए दोस्तों यहाँ पे दो आपको ऑप्शन मिलेगा, एक कलर ओवले मिलेगा और एक ग्रेडिएंट, आपको यहाँ पे चूज करना है ग्रेडिएंट। दोस्तों ग्रेडिएंट इसलिए यूज करना है कि आपको दो कलर चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ना दोस्तों तो आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो दो कलर में हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है और यहाँ पे आपको वाइट दिख रहा है, इसी पे के अंदर क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा देखिए दोस्तों, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्लैक देखिए दोस्तों,
और यहाँ पे देखने को मिलेगा व्हाइट, मतलब इस ब्लैक वाले को हम नीचे पेंटिंग करेंगे और ऊपर वाले को अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक वाले को चेंज करते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे ना दोस्तों तो हाँ यहाँ पे हमारा जो कलर दिख रहा है ये कलर ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, इस ब्लैक पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ से जो भी कलर लेना है वो कलर को यहाँ से चूज कर लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ से उस कलर को चूज कर लेना है जो भी कलर लेना है, और उसके बाद से दोस्तों क्या करना है यहाँ से ओके प्रेस कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ से व्हाइट वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही व्हाइट पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे जो कलर का ऑप्शन दिया हुआ है ये कलर व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद से आपको क्या करना है, इस कलर पे क्लिक करना है व्हाइट वाले पे, और यहाँ से आपको जो भी कलर लेना है वो कलर ले सकते हैं। यहाँ से हमने व्हाइट चूज किया और यहाँ से ओके कर देंगे, और इसको भी ओके कर देंगे, और इसको भी ओके कर देंगे। दोस्तों देखेंगे इतना काम हमारा हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद दोस्तों जब आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब नेट पे आप सर्च करेंगे बॉर्डर तो आपको ऐसा डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर और उस थंबनेल के अंदर आप बहुत ही क्रिएटिव, मतलब बहुत ही अच्छा डिजाइन बना सकते हैं दोस्तों ये सबको डाउनलोड कर। दोस्तों ये डाउनलोड बहुत ही आसानी से हो जाता है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम फोटोशॉप के अंदर चलते हैं और यहाँ पे उसको हम यहाँ इसके अंदर लाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगा और इस फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आपको ओपन का ऑप्शन दिया हुआ है और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ओ, और इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करेंगे तो हमसे ये लोकेशन पूछेगा कि वो चीज़ आप कहाँ पे डाउनलोड कर रखे हुए हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हम जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों वहाँ से हम इसके अंदर क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है और उसके बाद से दोस्तों हमें यहाँ पे लोकेशन पूछेगा। दोस्तों आपको क्या करना है, जाना है उस जगह पे, और जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, उसको आपको इसके अंदर ओपन कर लेना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। देखिए दोस्तों और ओपन करने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर इसके अंदर ला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे और इसके अंदर ले आकर एडजस्ट कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसे ऐसे क्लोज कर देंगे। देखिए दोस्तों और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे लाने के बाद आप अपने अनुसार इसे बड़ा छोटा कंट्रोल टी कर, नहीं तो दोस्तों आप जाएंगे एडिट के अंदर, आपको यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल मिल जाएगा और आप जैसे इसे करना चाहते हो वैसे एडजस्ट करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे। दोस्तों चाहते हैं ऐसा बनाना तो क्या करेंगे, आप जाएंगे यहाँ पे आपको टूल्स बॉक्स के अंदर और इसको सेलेक्ट करेंगे राउंडेड वाला और ऐसे ड्रैग करेंगे। और ड्रैग करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एन प्रेस करेंगे और यहां से एंटर प्रेस करेंगे, और सिंपल क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ बैक प्रेस कर देना है तो आपका कलर ये चेंज हो जाएगा। और जाना है दोस्तों ये सिलेक्ट के अंदर और यहां से क्या करेंगे, डिसलेक्ट कर देंगे। और इसका कलर चेंज करने के लिए दोस्तों आपको बताए थे जाना है लेयर के अंदर और यहाँ से लेयर स्टाइल में जाना है और उसके बाद से दोस्तों कलर ओवरले में जाना है। क्लिक करेंगे और इसका कलर जो भी कलर रखना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से व्हाइट रखना चाहते हैं व्हाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड कर रखे हुए हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे इतना काम हो जाने के बाद। उसके बाद से दोस्तों हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ से एक और हमें रिटेंगल लेना है। रिटेंगल हम ऐसे लेंगे और ऐसे एक ड्रैग कर देंगे रिटेंगल। देखिए दोस्तों और इसका कलर चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जाएंगे लेयर के अंदर और इस लेयर स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से कलर उभरे में जाएंगे। देखिए दोस्तों और यहाँ से हम इसका कलर कर देते हैं कुछ अलग और यहाँ से इसका कलर हम कर देते हैं दोस्तों वाइट। देखिए दोस्तों इसे वाइड करेंगे और इतना हो जाने के बाद दोस्तों इसे ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाएंगे और लाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे, मतलब इस शेप के नीचे इसे करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम कंट्रोल के साथ हम नहीं तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे ड्रैग कर यहाँ पे इसके नीचे कर देंगे। तो दोस्तों ये क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा। देखिए दोस्तों और इतना हो जाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जाएंगे हम लेयर में और लेयर में जाने के बाद दोस्तों लेयर स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से ड्रॉप शेडो का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ड्रॉप शेडो दिया हुआ है
और इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर कुछ हम शेडो लगा लेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं और इसको क्या करते हैं, बीच सेंटर कर लेते हैं और इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, देखिए दोस्तों, और इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे ना, हम यहाँ से इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों देखेंगे इसके अंदर शेडो लग चुका है, देखिए दोस्तों। और इतना हो जाने के बाद दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों हमें यहाँ पे पिक्चर लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पिक्चर लगा लेते हैं। पिक्चर हम कैसे लगाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। ये नीचे चला गया है दोस्तों, क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल के अंदर। दोस्तों यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगा, फाइल के अंदर जाएंगे और उसके बाद से दोस्तों जाएंगे ओपन के अंदर। और ओपन के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ से फोटो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से ओपन कर देंगे। देखिए दोस्तों, ओपन करेंगे तो हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। इस फोटो को ऐसे क्लिक करेंगे और ऐसे ड्रैग करके इसके अंदर ला देंगे, देखिए दोस्तों। और इस फोटो को यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आएंगे और इस फोटो को यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे, देखिए दोस्तों। इतना होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसे पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा शेप को ऐसे हम बढ़ा लेंगे। देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और इसके अंदर हमें लिखना है दोस्तों। इस शेप पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस कॉर्नर पे जाएंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे हम घुमा लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद से दोस्तों इसको ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है, तो सिंपल हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट टूल मिल जाएगा, इस टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, आपको टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल मिल जाएगा। टेक्स्ट स्टाइल में आपको जो भी स्टाइल रखना है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे या जो भी स्टाइल रखना है वो रख सकते हैं। दोस्तों बता दें कि यहाँ पे हमें हिंदी में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राज फॉन्ट का यूज करेंगे और यहाँ से राज फॉन्ट लिखेंगे। और सबसे पहले इसे क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से राज फॉन्ट को लिख लेते हैं। और लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लिखते हैं मोबाइल में, देखिए दोस्तों यहाँ से मोबाइल में, देखिए दोस्तों। इतना होने के बाद इसे क्या करेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको ऐसे बड़ा कर देंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे बड़ा करेंगे यहाँ पे। इतना हो जाने के बाद इसे क्या करेंगे, ऐसे बड़ा करेंगे और थोड़ा सा बड़ा, और इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा करेंगे। और करने के बाद दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे। अगर इसका कलर चेंज करना है तो दोस्तों जाएंगे हम लेयर के अंदर और जाएंगे लेयर स्टाइल में और यहाँ से क्या करेंगे, कलर ओब्ले में जाएंगे और इसका कलर जो भी रखना है वो हम यहाँ से कलर यूज कर लेंगे। यहाँ से हम इसे वाइट कर देते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से हम इसे वाइट करेंगे और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। और दोस्तों इसी के एक डुप्लीकेट लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस मोबाइल में और ऑल्ट के साथ इसे एक नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। देखिए दोस्तों, 5 लिखने के बाद दोस्तों इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ला देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेलेक्ट हो चुका है, तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, ऐसे पूरे को ऐसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल हम 5 लिखेंगे। देखिए दोस्तों, और इसका को हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको ऐसे हम बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे बड़ा करेंगे और इसको क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से कंट्रोल टी कर इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और 5 को हमें कलर चेंज करना है तो क्या करेंगे, जाएंगे लेयर में और लेयर में जाने के बाद दोस्तों लेयर स्टाइल में और यहाँ से कलर ओब्ले पे जाएंगे और इसका कलर दोस्तों यहाँ से हमें जो भी रखना है वो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर हम येलो कर देते हैं। देखिए दोस्तों, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से ओके प्रेस कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम इसी पे क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट के अंदर और ऑल्ट के साथ इस नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा एक डुप्लीकेट बन जाएगा। इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको इंग्लिश में हमें लिखना है, तो इंग्लिश में लिखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम सिंपल जाएंगे टेक्स्ट टूल बॉक्स के अंदर और इसको क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एरियल कर देते हैं। देखिए दोस्तों, और एरियल करने के बाद दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ से एरियल को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं YouTube। दोस्तों YouTube लिख लेने के बाद उसके बाद से हम नीचे लिखेंगे थंबनेल। और चलिए दोस्तों इतना हम कर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे देखते हैं क्या क्या हम बनाते हैं। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से YouTube लिख लेते हैं, तो YOU और यहाँ से क्या करते हैं, पहले पूरा इसको सेलेक्ट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट किए
और यहाँ से टेक्स स्टाइल थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसके पहले दोस्तों चेंज नहीं हुआ था, तो यहाँ से हम एरियल को चेंज करेंगे और यहाँ से हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बोल्ड लेंगे और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लिख लेंगे YouTube। देखिए दोस्तों, अभी पूरी तरह से सेलेक्ट नहीं हुआ है, इसे हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर ले YouTube। देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से ऐसे छोटा करेंगे। देखिए दोस्तों, और इसको भी ऐसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे राउंडेड कर देंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे राउंडेड करेंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के लिए जाएंगे लेयर स्टाइल के अंदर और जाएंगे इस लेयर स्टाइल पे और उसके बाद से दोस्तों कलर ओवर पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, सिंपल कलर ओवर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर हम यहाँ से रेड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद उसके बाद से दोस्तों हमें नीचे लिखना है थंबनेल। तो इसको थंबनेल लिखने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। दोस्तों इसी का डुप्लीकेट बनाने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और ऑल्ट के साथ नीचे ड्रैग करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद से दोस्तों हमें क्या करना है, टूल बॉक्स पे क्लिक करना है और इसको ऐसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें थंबनेल लिखना है। तो सिंपल हम दोस्तों यहाँ पर थंबनेल लिख लेते हैं और यहाँ पर थंबनेल MBNAIL थंबनेल लिख लिए और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, इससे पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा इसे ऐसे बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे और इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे हम उड़ा लेंगे। और इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, ऐसे इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी करेंगे और इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे। और बड़ा करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ऊपर बड़ा करेंगे और इतना हो जाने के बाद और इस YouTube पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे हम उड़ा लेंगे, ऐसे मुड़ाएंगे। और उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों इसका हम थोड़ा जो टेक्स्ट का स्टाइल है इसे हम चेंज कर लेते हैं। तो जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों इसका टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कुछ अलग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से जो भी हमें रखना है वो हम यहाँ से रख लेंगे। देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे। और ये जो थंबनेल लिखा हुआ है इसका कलर चेंज करने के लिए जाएंगे लेयर में, लेयर स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कलर ओवरे पे जाएंगे और इसका कलर दोस्तों यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। इसका कलर हम यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे और यहाँ से ओके प्रेस करेंगे। दोस्तों इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हमें YouTube का एक लोगो लगाना है, तो जाएंगे फाइल के अंदर और ओपन के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम YouTube के लोगो पे क्लिक करेंगे और ओके ओपन करेंगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जाएंगे सेलेक्ट में और यहाँ से ऑल कर लेंगे और सिंपल इसे ऐसे ड्रैग करेंगे और इसके अंदर ले आकर ऐसे हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ पे और इसको ले आकर यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे जो YouTube का जो लोगो है वो उसको हम यहाँ पे ले आकर एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना हो जाने के बाद हमें नीचे लिखना है कुछ, तो इसको क्या करेंगे, इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अल्ट के साथ एक डुप्लीकेट बना लेंगे और यहाँ पे जो हमारा टी जो टेक्स्ट टूल है इस पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बनाओ। मतलब कि हमें 5 मिनट में यूट्यूब थंबनेल बनाओ, तो इस सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाओ लिख देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बनाओ कर देंगे और इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे बड़ा करेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा मुड़ा लेंगे। देखिए दोस्तों, इतना हो जाने के बाद हम सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो हमारा YouTube का थंबनेल है, जो YouTube का साइज का जो थंबनेल होता है वो यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।